जैन सभी दोस्तों को, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब भी आप रनिंग करते हैं, किसी ग्राउंड पे रनिंग करते हैं, तो आपको जो शूज पहनना है वो किस टाइप का पहनना है। मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर हम कौन सा जूता पहने, सेगा का लें, कैंपस का लें, गोल्ड स्टार का लें। आप देख रहे हो हमें सारे जूते आपको उतार दिए हैं, उसमें से हम पूरे आपको चेक करके बताएंगे कि अगर आप ग्राउंड पे रनिंग करते हैं तो आपको कौन सा जूता पहनना है, अगर आप रोड पे रनिंग कर रहे हैं तो आपको कैसा जूता पहनना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो आपने देखा होगा अक्सर आपके एंकल पेन होने लगता है, तो जो एंकल पेन होता है और आपका जो सिन पेन होता है वो आपके जूतों के कारण ही होता है। आप सही जूतों का चुनाव नहीं कर पाते हैं जिसके कारण आपके सिन पेन होना चालू हो जाता है। तो वीडियो पे पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, आज हम आपको दिखाएंगे कि आपको किस टाइप का जूता पहनना है और कैसा जूता नहीं पहनना है। सभी बच्चों को कैसे हो आप लोग, मैक तो नहीं रहा है, ये किसका है, है? आप देखिए हमने पूरे जूतों में से चार जूतों का चुनाव किया है। हम आपको सबसे पहले बताते हैं ये दो जूते जो हैं ये गर्ल्स के हैं और ये दो जूते जो हैं बॉयज के हैं। आप इस जूते पे मत जाइएगा, ये कैंपस का शूज है और ये है दूसरा आपका सेगा का शूज। ये जो सेगा का शूज होता है ये रोड रनिंग के लिए होता है। आप इसका सोल देख रहे हैं क्या होता है, जब भी आप सर्दियों में रनिंग कर रहे होते हैं तो ये जो सोल होता है पूरा टाइट हो जाता है। जब ये टाइट हो जाता है तो जिसके कारण आप अगर ग्राउंड पर रनिंग करते हैं तो आपका पैर पूरा एकदम स्ट्रेट पड़ने लगता है, लेकिन गर्मियों में हल्का मुलायम रहता है। अगर आप ग्राउंड पे गर्मियों में पहन रहे हैं तो आप इसको पहन सकते हैं। वैसे अगर आप सर्दियों में रनिंग करते हैं जब, तब इससे केवल आप रोड पे कर सकते हैं। रोड के लायक क्या होता है, ये होता है ये पूरा टाइट हो जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि हल्का सा ढीलापन है इस जूते पे, लेकिन वैसे ये टाइट रहता है। अगर आप प्रॉपर ग्राउंड पे रनिंग करते हैं तो आपको जूता ऐसा लेना है जो पूरा इस तरह फ्लेक्सिबल हो। आपको ऐसे मुड़ जाना चाहिए, इधर से ये पूरा ऐसे मुड़ जाना चाहिए। अगर आपका जूता फ्लेक्सिबल है तो आपकी रनिंग बहुत ही स्ट्रांग होती जाएगी, क्योंकि आपके इसके कारण दर्द नहीं होगा और बिल्कुल आपको अच्छे से आसानी से रनिंग अपनी कर सकते हैं। तो जब भी आप ग्राउंड पर रनिंग करें तो आप हमेशा फ्लेक्सिबल जूता लें, चाहे वो कैंपस का हो, स्पार्क का हो। अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो आप नाइक का, पूमा का कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मल रेंज पे 700 से 800 मिल जाएगा। आप ये जूता देख रहे होंगे, इस बच्चे ने घिस घिस के इसमें कितने छेद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये जूता बच्चा पहन रहा है। क्यों? क्योंकि इसको पहनने में उसको आसानी होती है। वही अगर आप गर्ल्स रनिंग कर रही हैं तो आप गर्ल्स में देख सकते हैं, आप स्पार्क का जूता है, ये देखिए पूरा फ्लेक्सिबल है। इसमें क्या होता है, इधर से पूरा मुड़ जाएगा, आपका ये भी पूरा मुड़ जाएगा, जिससे आपके पैरों में दर्द नहीं होगा। ग्राउंड पे जब भी आप रनिंग करें तो हमेशा फ्लेक्सिबल जूता आपको लेना है, ताकि आपको रनिंग करने में बिल्कुल भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। गोल्ड स्टार, स्पार्क, ये सभी जूते जो होते हैं ये आपके उसके लिए होते हैं, रोड के लिए होते हैं। आप सेगा है या गोल्ड स्टार है, इस तरह के अगर आप जूते पहने हैं तो रोड पे अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर ग्राउंड पे आप रनिंग कर रहे हैं तो हमेशा आपको फ्लेक्सिबल जूता लेना है, जिससे ना ही आपके कभी सिन पेन होगा और ना ही आपके एंकल पेन होगा, किसी भी तरीके का आपके दर्द नहीं होगा। आप इस जूतों को ट्राई करिए, इसके बाद अगर किसी प्रकार की आपको समस्या आती है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बिल्कुल सही जानकारी प्रोवाइड करेंगे। जय हिंद।